जमीन देने वाला देश का प्रथम मालिक आदिवासी ही आज तक की झंझट से जूझ रहा है, गोली खा रहा है, देश को भी बनाया, जंगल झाड़ी साफ किया, लेकिन विकास के नाम पर पहला शिकार कौन होता है कि आदिवासी। जी अंतर्राष्ट्रीय मानदंड लगाते हो, यदि किसी भी देश का पुलिस का सैन्यकरण होता है तो समझे कि वहां लोकतंत्र खतरा में है। तो किसी का जो नेतना जी आई मेरे सरकार सरकार ना घूमेंगे था, जब हम जवाब देते हैं वोट देते हैं तो किसी का सरकार बनता है। आज बिल्कुल बाबू के व्यक्तिगत अपेरा साथ साथ रहे गिर बनते हैं। धन्यवाद हमारी तरह सब धन्यवाद। आगे तक ठीक नहीं नगर ना ठीक दिलसुमरन मालिक को आदिवासी, लेकिन जेल रे पूरा का पूरा जेल अखन को आदिवासी, गोली जम का आदिवासी और सीढ़ियों इलाका रे सुबह तक पूरा का पूरा पैरामेट्रिक फोर्स बना को दो नया चिकन है तना जी अंतर्राष्ट्रीय मानदंड लगाते हो, यदि किसी भी देश का पुलिस का सैन्यकरण होता है तो समझे कि वहां लोकतंत्र खतरा में है। तो किसी का जो नेतना जी आई मेरे सरकार सरकार ना घूमेंगे था, जब हम जवाब देते हैं वोट देते हैं तो किसी का सरकार बनता है। तो सोमनाथ तुम्हारा दुकुरिया का जितना वो कोई गया वो चुनाव रे बुजुर्ग क्या कहिए चाइनी कांग्रेस कहिए दो रानी का जो उसका ताजा उदाहरण आप लोग देख लीजिएगा एटीसी, उसका दूसरा उदाहरण आप लोग दीजिएगा तो जितना भी यहाँ इच्छा कर का डेन से जितना जो गोली खा जो नेता रे जो जमीन देने वाला देश का प्रथम मालिक आदिवासी ही आज तक एकदम क्या बोलेंगे कि झंझट से जूझ रहा है, गोली खा रहा है, देश को भी बनाया, जंगल झाड़ी साफ किया, लेकिन विकास के नाम पर पहला शिकार कौन होता है कि आदिवासी। हम एक आध दूजे पहले वक्ता ने वो बोला था कि यहाँ का तेल डिपो बना उसमें विकास के नाम से बोला कि यहाँ के रोजगार यहाँ के लोग रोजगार यहाँ एक जो विकास के नाम पर जो छला हुआ है चाहे किसी में शुरू हुआ या टाटा का लीज नवीकरण हुआ, टाटा 18 गांव को विस्थापित करके आपका टाटा बना, लेकिन आज भी वहाँ कितने प्रतिशत आदिवासियों को यहाँ नौकरी है आज भी सवाल कठिन है। सबसे पहले देश हमारा है, नदी हमारा, पर्यावरण हमारा, और जब यहाँ से विकास का बात होता है विकास योजनाएं चलती है तो यहाँ हम विस्थापन झेलते हैं और वहाँ क्या प्रदूषण। यदि हम किरीबुरु इलाके के जाएंगे तो खदान का लाल पानी, यदि आप जाइएगा नेतरहाट का बॉक्साइट इलाका तो वहाँ का भी गंदा पानी, और जितना भी विकास के नाम पर जो कचरा निकलता है जो प्रदूषण होता है वो किसके लिए होता है, वो आदिवासियों के लिए होता है। पैसे वाले जो होते हैं वो लोग तो बोतल बंद पानी पी जाते हैं। कल तक आजकल मैं रांची घूम रहा हूँ, वहां देखिएगा कि विकास के नाम पर सबसे ज्यादा दंश हम लोग झेल रहे हैं आदिवासी। जो कल तक हम कहते हैं कि 70-75 लोगों ने पूछा वहां के बुजुर्गों से तो वहां क्या किया कि जब स्वर्ण रेखा नदी में जो लोग नहाता था आज स्वर्ण रेखा नदी का पानी से छूने लायक नहीं है, देखिए काला है। तो मैं यहाँ पर फिर आना चाहता हूँ इसी बांदे गांव में, इसी बांदे का जो सरकारी कृषि फॉर्म है, किसी भी सरकार को जब हम जनादेश देते हैं तो जनादेश हम देते हैं तो उसका अनुपालन करना है। सरकार यदि जमीन लेती है तो ये लैंड एक्विजिशन एक्ट है, उसमें शायद धारा तो याद मैं नहीं करता हूँ, लेकिन जिस पर्पस के लिए जमीन लिया था उसी पर्पस के लिए वो यूज होना है और उसके लिए मुआवजा भी देना है। मैं यहाँ से इस मंच के माध्यम से हम लोग को ये पूछना होगा कि जमीन लिया तो ये अधिग्रहण हुआ या मुआवजा दिया नहीं है, और मुआवजा नहीं दिया है तो सरकार को हम लोग यहाँ किसी भी हाथ में कोर्ट है कोर्ट में चुनाव देंगे। पहला सवाल है, हमें और एक बार बात करना चाह रहे हैं कि आप लोग हम लोग किसान है, धान हम लोग क्या से काटते हैं, हेलो
धान आप लोग काटते हैं ना, हसुआ चाहिए, लकड़ी फाड़ते हैं तो कुल्हाड़ी चाहिए। आज 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 जो कानूनी तरीके से जो हमारा जमीन लूटा जा रहा है, पहले बोला, पहले वक्ताओं ने बोल दिया कोई पिस्तौल के बल पर जमीन लूट रहा है धमकी देके। हाँ, पुराना जमाने क्या होता था, आदिवासियों को मकर संक्रांति के पूर्व तक टैक्स लोग जमा नहीं करता था, राजा जमींदार और अंग्रेज के दलाल उनको तुल को भगा दिया जाता था। लेकिन आज इंसान को भगाया नहीं जाता है, पहले अधिसूचना जारी होता है, अधिसूचना के विकास के नाम पर वो जमीन हमसे ले लिया जाता है। तो सबसे पहले क्या है कि हमको लड़ना होगा तो कानून से लड़ना होगा। ग्राम सभा भी पेशा जो रूल के अनुसार आप लोग नहीं चाहिएगा तो यह कोई भी कृषि फार्म नहीं बनेगा। और जो आप पेशा जो कमेटी बनेगा तो आप लोग पारित करके डीसी और एसडीओ और हाईकोर्ट में आप सीधे भेज दीजिएगा। हम लोग नहीं चाहते हैं ये कृषि फार्म ये हम लोग को वापस दे दिया जाए। उसका ताजा ताजा उदाहरण आपको क्या बन गया, आपका आपका मरहदा जो थाना बन रहा था पतराड़ी में, वहाँ फर्जी तरीका से ग्राम सभा करके लाडीसी को दे दिया। और जब वहाँ के लोगों ने केस किया तो वहाँ जो अधिकृत जमीन है मजबूर होके हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वहाँ उन लोग को छोड़ दिया गया। तो मैं आप लोग से इतना ही कहूँगा कि सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि जानिए अपने बारे में। सबसे पहले अभी बात हुआ, जब से भारत देश बना भारत ने आदिवासी या विविध लोगों ने राज किया, लेकिन किसी भी सरकार ने, चाहे स्वतंत्र भारत की सरकार हो चाहे गुलाम भारत में जितने भी राजा महाराजा मुगलों ने अंग्रेजों ने किसी ने आदिवासियों को जमीन वापस किया,